नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन का डायरेक्टर हूं। मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूं और एक दिव्यांगों का 2014 में आंदोलन हुआ जिससे हमारी मुलाकात इनसे हुई और हमारे दोनों की भावना सेम थी, क्योंकि कई आंदोलन होते हैं तो वो राजनीति का फायदा या जो भी है, लेकिन हमारा एक ही था कि दिव्यांगों के जीवन में अंधेरा है और वो अंधेरा तभी मिट सकता है, उनके जीवन में तभी रोशनी आ सकती है जब वो स्वयं आम आदमी की तरह वो कमाए, आत्मनिर्भर बनेंगे तो सब कुछ उनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो खर्च हो जाएंगे खत्म। पर डे कैसे पैदा हो, इसी पे हमने इस फाउंडेशन का निर्माण किया और कई मुश्किलें हमने झेली, कई बार भूख प्यास वगैरह हर प्रकार से हमें झेलना पड़ा, लेकिन हमारे कुछ आदर्श हैं, जैसे डीआर मेहता जी है जो विश्व में मिलियन लोगों को पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, पद्मश्री अवार्ड भी है और सेबी के चेयरमैन भी रहे हुए हैं, भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति चलाते हैं, तो उनको जब देखा हमने तो हम हिम्मत नहीं हारते हैं और हर प्रकार से मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि हमारे काम को नहीं चाहते हुए बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि नगर निगम, कोई कहने कि भगवान को देखा तो हम कहते हैं कि नगर निगम का सफाई कर्मी से लेकर आयुक्त तक हमारे लिए वही भगवान है। अगर वो भगवान नहीं होता तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। आज मेरे पास कोई जमीन नहीं अपनी, ये नगर निगम की जमीन है। नहीं, मेरे जीवन में कोई जमीन नहीं है, मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ आश्रम में हूं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी शादी हुई तो जो भी था वो भी लोग चले गए और हमारी जो पर्सनल संपत्ति थी इस समाज सेवा में हमें खर्च करनी पड़ी, क्योंकि नहीं करते तो कब के बंद हो जाता। लेकिन आज हमें बहुत खुशी होती है, हमारी मदद भले नहीं कर पाए यहाँ के लोग, और यहाँ की गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा सपोर्ट है कि 33 कोटी देवी देवताओं के हो रहे घोर अपमान को रोकने का हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद फूल जो है, मिठाई पैसा धन दौलत सब हम भी रख लेते हैं या फिर मंदिर वाले भी रख लेते हैं, लेकिन असली प्रसाद जो भगवान की इज्जत होती है उसको कचरे में फेंका जाता है, यानी घोर अपमान होता है, चाहे वो दरगाह हो, चाहे मंदिर हो या कोई भी एक्स वाई जेड। तो उस फूल को हम कलेक्ट करते हैं, उस अपमान को सम्मान में बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। 135 आइटम दुनिया में फूल से बन रहा है अभी और टॉप मोस्ट बिजनेस कर रहे हैं लोग। तो इन वेस्टेज से हम बहुत सारा उत्पादन बना सकते हैं और हमारा लक्ष्य है कि भारत में ज्यादा नहीं तो हमारे कार्य से 1 लाख दिव्यांग रोजगार से जुड़े, आम आदमी जुड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा काम है जो दिव्यांग नहीं कर सकता। मेरे एक पैर है लेकिन मुझे 50-60 केजी वजन उठा के नहीं चल पा, तो आम आदमी को रखना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख हमारा टारगेट है कि हम दिव्यांगों को रोजगार से जोड़े। मेरा एक सवाल है कि मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी के बाद हर स्टेट के जो मंत्री होते हैं काम रहता है उनका कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने राज्य को बेहतर करें, वो लोग नहीं सोचते ये सब चीज, लेकिन आप पूरे बिहार के लिए, पूरे दिव्यांग के लिए, आप खुद दिव्यांग हैं, लेकिन आप खुद दिव्यांग हो के पूरे दिव्यांग के लिए कैसे सोचते हैं जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति ये सब चीज नहीं सोचते? देखो सर, मैं स्वयं एक दिव्यांग हूं, मेरे एक आर्टिफिशियल पैर है और मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन मेरा बचपन में जब एक्सीडेंट हो गया तो मेरा सपना टूट गया। और आपने मोदी जी का नाम लिया तो 2014 में यही मिशन में इटावा उत्तर प्रदेश से एक दिव्यांगों की एक रैली लेकर, ये प्रोजेक्ट लेकर मैं दिल्ली पहुंचा। तो सितंबर में क्या है कि चाइना के राष्ट्रपति आ गए थे तो मोदी जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पर्यावरण को